I think हर इंसान पे सिंपैथी आ सकती है एम्पैथाइज सिंपैथी के बजाय आई थिंक द वर्ड वुड बी एम्पैथी कभी कभी आप एम्पैथाइज करते हो नेवर किसी किरदार से और मैं एम्पैथाइज करता हूं अरुण राव जी से क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब किसी भी रास्ते से निकलते हैं और कोई भी बिल्कुल साफ नहीं है कोई भी बिल्कुल काला नहीं है यू नो हम सब में अच्छे और बुरे क्वालिटीज हैं जो सिचुएशंस हैं उसके थ्रू जब आप गुजरते हो और आप एक जिंदगी से आए हो क्राइम की दुनिया से आप जेल गए आपने जेल में अपना सजा काटा उसके बाद जब हम बाहर आते हैं और बोलते हैं ठीक है जेल चाहती है कि मैं रिफॉर्म हो जाऊं मैं रिफॉर्म दूं मैं बदल गया हूं और मैं वाकई में कुछ नया करना चाहता हूं क्या सोसाइटी क्या लोग यू नो क्या पॉलिटिशियंस क्या हमें माफ करते हैं एक्चुअली वो एक दबा जब लग जाता है किसी के रिकॉर्ड पे यू नो क्रिमिनल का या क्राइम का उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो एक्चुअली आप ही डूइंग दैट तो उस हिसाब से कभी कभी आप शायद एम्पथाइज करोगे मगर ओपिनियन जो है वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और जब आप इन देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में हमने कोशिश की है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी नहीं बताई जाए चलन बहुत पुराना है बॉलीवुड में किसी भी डॉन पे या गैंगस्टर पे फिल्म बनाना अरुण गवली को जो मैं जानता हूँ मतलब 20वीं सदी के लेकिन अब 21वीं सदी में दर्शक ये फिल्म आपकी क्यों देखे जब शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपर स्टार पिटा रहे हैं क्यों देखे ये फिल्म मैं समझ में नहीं आता जब सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में पिटा रही है ऐसे में 20वीं सदी के इस गैंगस्टर को दर्शक टॉकीज में देखने क्यों जाए अरे मेरे ख्याल से क्योंकि ये फिल्म जो है ये सिर्फ 1970 से शुरू होती है और आती है ऑल द वे टू 2012 जो हिस्ट्री है हमारी इट्स ये इतिहास है अब यू नो कि ये हुआ था ऐसे इंसिडेंट्स थे जो क्राइम है मेरे लिए जो मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा इस फिल्म के जरिए क्राइम कभी नहीं जाता क्राइम के रूप बदलते हैं जैसे कि क्या हुआ था 70s में जब यूनियन उधर टेक्सटाइल मिल्स स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि रेयन आ गया ये आ गया तो पैसे नहीं दे पाए अपने एम्प्लॉयज को तो सारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे आ गए यूनियंस चालू हो गए तो कौन हो गया क्रिमिनल यूनियन वाले उन्होंने बंद कर दिया जब उन्होंने बंद कर दिया तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए वो कहां पर रहते थे तगड़ी चौल में जैसे चौलों में वहां पर क्राइम चालू हुआ अंडरवर्ल्ड चालू हुआ डॉन्स पैदा हुए ओके जब डॉन्स पैदा हुए तो क्या किया मिल वालों ने देखा ठीक है मिल ओनर्स ने आप ये यूनियंस को हटा दो तो उनकी मदद ली तो इन डॉन्स के पास पावर आ गया जब उन्होंने यूनियन का जो मसला था वो ठीक कर दिया और जमीन आप बेच सकते थे तो किसकी नजर गई जमीन पे पॉलिटिशियंस की वो भी आए अपना हिस्सा मांगने ओके वो आ गए तो पुलिस वाले भी आए कि इस पे केस करो इस पे केस ना करो केसेस चालू हो गए तो कौन आ गए पत्रकार आ गए पत्रकार आ गए मतलब क्या अच्छा इसकी कहानी बताओ इसकी कहानी अलग से दिखाओ परसेप्शन बदलना तो क्राइम तो वही रहा ना क्राइम क्या था और वो क्राइम रहेगा 21वें में या 22वें में या 23वें में वो क्राइम जमीन की जो क्राइम होती है वो कहीं नहीं जाने वाली तो ये आज की ही कहानी है मगर उसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा आई थिंक ये हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है देखना तो हाँ जब आप अरुण गवली के बारे में बात करते हैं और अरुण गवली कैसे शख्स हैं जो लोग उन्हें देखते हैं और पहचानते हैं स्पेशली महाराष्ट्र में उन्हें बहुत माना जाता है उनकी बहुत फॉलोइंग भी है उनका जो लुक था वो बहुत ही एक डिस्टिंक्ट लुक है जब आप एक बायोपिक बना रहे हो तो बहुत जरूरी है कि उस किरदार की तरह ही दिखे तो ओशम आलूवालिया जब हमने स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी सब कुछ तैयार था और हम लुक टेस्ट भी कर रहे थे और लुक टेस्ट के लिए मुझे वजन घटाना पड़ा यू नो बहुत चीजें करनी पड़ी बिफोर वी डिड द लुक टेस्ट तो उस तैयारी के दौरान मैंने नहीं सोचा था कि मैं लुक टेस्ट शायद फेल हो जाऊं
ओके तो मैं और अर्जुन का यही मानना था कि वो अर्जुन रामपाल को इस फिल्म में नहीं देखना चाहते, वो अरुण गवली को ही इस पिक्चर में देखना चाहते हैं, जैसे कि वो ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में नहीं देखना चाहते, वो आशा गवली को ही देखना चाहते हैं, या रामा नायक हो या फिर बाबू रेशम हो या फिर मकसूद हो, ये जो जितने भी किरदार हैं जो रियलिस्टिक लोग क्या इस लुक्टेस में, तो क्या होगा, कहानी तो बहुत अच्छी है, कहानी तो फिर भी बनाएंगे, तो मैंने तय कर लिया था कि मैं प्रोड्यूस जरूर करूंगा लेकिन और डायरेक्शन ओशन ही करेंगे, लेकिन किसी और को शायद दे लेंगे। Good afternoon to all the ladies and gentlemen. This is going to be my first film, as you told. I've done a couple of films in South. Yeah, as you told, Asha Gowli has always been a very important part in Arun Gowli's life. So do you think so it will be small? Movie ke role, you have to watch it. See, it's a biopic, so even I have like from the age of 15 to 16 years to 55 years, you know, the stages of life. So it's a biopic about Arun Gowli, but she was always been backbone to him. So it is also going to be a very important role, and I'm very happy for getting my, you know, debut to be such a strong role. I think that not everybody gets to play something like this, right? I don't know, I'm just talking in English because I can't speak fluent Hindi. Mere ko thoda thoda Hindi aata hai. Like, thoda thoda aata hai. Kapil Sharma ne dekha hoga, to jisne bhi dekha hoga wo show, unko kitni Hindi aati hai. Arjun, mera aapse prashn hai. Ji sir. Arun Gowli, Maharashtra ke Dagri Chowk ke gangster, और फिर राजनीति में आने के बाद जेल जाने से बचते रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम संदेश नहीं देना चाहते, यू नो, क्योंकि क्या है कि फिर वो जो दर्शक सीखे फिल्म से वो लेके जाएंगे, ये तो डेफिनेटली नहीं लेके जाएंगे कि हम अरुण गवली बनना चाहते हैं, वो संदेश तो बिल्कुल नहीं है फिल्म में, मगर हाँ कि ये दुनिया है और ये दुनिया पैरेलली हमारी दुनिया के साथ भी चलती है, इसीलिए हमको भी इंटरेस्ट होता है जब हम फिल्मों में देखते हैं, यू नो, इस जॉनर की जो फिल्म बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस एग्जिस्ट, हमें लगता भी है कि इन लोग ने अपने लॉज बना दिए या अपने तरीके से रहते हैं, यू नो, इन्हें माना भी बहुत जाता है, प्यार भी दिया जाता है अपने लोगों से, वो अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ है कहीं ना कहीं, मगर क्या वो सही रास्ता है या गलत रास्ता है वो आपको इस फिल्म के थ्रू बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो मेरे को लगता है इस पिक्चर को देखने का वो क्यों वो पत्रकार ने सोचा कि मुझे बायोपिक नहीं करना चाहिए तो उसने मेरे मुंह से निकाल दिया। एक्चुअली मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो एक बायोपिक है, मैंने उनसे वो कहा था ओके, तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, और वो शायद मेरी नेक्स्ट फिल्म हो, मैंने उनसे ये कहा था कि शायद मेरी नेक्स्ट फिल्म भी बायोपिक ही हो,